और उसने जो वहाँ से चोरी की थी हमने वो गहने और बाकी सामान उसे बरामद किया है। ये जसविंदर है और जेल प्रहरी के तौर पर तैनात है। चला है कि एक तो ये नशे का आदी था और जुआ भी खेलने का आदी था कि ये खाकी वर्दी पहन के वहाँ एंट्री कर जाता था और उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे और वो जाके वो चोरी कर लेता था। नशे और अय्याशी भरी जिंदगी जीने के चक्कर जेल वार्डन शातिर चोर चोर बन गए, जो खाकी की आड़ में पुलिस कर्मियों के सरकारी आवासों को अपना निशाना बनाकर वहां से चोरी किया करता था, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने पुलिस लाइन से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए जेल वार्डन आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। एसीपी क्राइम की माने तो नीम का जेल में तैनात यह जसविंदर नाम का चोर हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा में स्थित पुलिस लाइन में आधा दर्जन से ज्यादा लाखों की चोरियों को अंजाम दे चुका है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा है। बहरहाल सेक्टर 17 क्राइम यूनिट ने इसे गिरफ्तार कर मामलों का खुलासा कर ये हमारे पुलिस लाइन गुड़गांव में 27-28 नवंबर 2020 को एक पुलिस के कर्मचारी के घर से चोरी हुई थी, जिसके इन्वेस्टिगेशन करते हुए अब एक जेल प्रहरी था जो जेल में तैनात था नीम का जेल में, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसने इस चोरी को करना स्वीकार भी किया है और उसने जो वहाँ से चोरी की थी हमने वो गहने और बाकी सामान उसे बरामद किया है। और पूछताछ पे ये भी पता चला है कि इसने पहले भी कई जगह जैसे फरीदाबाद में 3 चोरियां पुलिस लाइन में की हैं, ऐसे ही एक जींद में की है, एक हिसार में की है और एक पहले कैथल में की है। तो इस सारी तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको गिरफ्तार करके और पुलिस रिमांड पे लिया था और आज ये पुलिस रिमांड के बाद हम इसको अदालत में पेश कर रहे हैं और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आरोपी जसविंदर नीम का जेल में जेल वार्डन के पद पर तैनात था और इसी दौरान मिली खाकी वर्दी की आड़ में एक के बाद एक 7 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। एसीपी क्राइम की माने तो खाकी वर्दी को पहन यह शातिर चोर पुलिस लाइंस के गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर अंदर दाखिल होता और फिर मौका पाते ही चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिराना अंदाज से अपराध को अंजाम दे, कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। ये जसविंदर है और जेल प्रहरी के तौर पर तैनात है ये नीम का जेल में, और पहले भी ये कैथल वाली चोरी में जो पुलिस लाइन कैथल में इसने की थी उसमें गिरफ्तार हो चुका है और बाकियों में अभी ये इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसका मेन जो इसकी पूछताछ पे हमें पता चला है कि एक तो ये नशे का आदी था और जुआ भी खेलने का आदी था, उसके चक्कर में ये चोरियां करता था। और दूसरी बात, पुलिस लाइन को टारगेट करने का इसका मेन कारण ये था क्योंकि ये खाकी वर्दी पहन के वहाँ एंट्री कर जाता था और उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे और वो जाके वो चोरी कर लेता था। ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसमें ये आया, वहाँ फरीदाबाद पुलिस ने इसमें पहले इसको गिरफ्तार किया था फिर इसको हमने गिरफ्तार किया। वही गुरुग्राम पुलिस ने इस शातिर चोर को रिमांड पर लेकर इसकी क्राइम कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है। हरियाणा वरदान के लिए गुरुग्राम से चंदन राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।